वेलकम बैक टू अवर चैनल। खाली कर दिया हमने स्ट्रीम इसलिए काटी कि अब आप इजीली इनके जो नेट पोर्ट है उनको हटा सकते हो सिस्टम से, और रूट्स को भी आप इजीली हटा सकते हो। अब हम ये जो क्लिपेबल्स है, हम उसको एक बकेट में या एक बैग में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको हम रीयूज़ करेंगे। रीयूज़ का मेथड सेम है जैसे हम कोकोपीट को रीयूज़ करते हैं, हम कोकोपीट को भी अलग स्टोर करेंगे किसी बकेट में या किसी बैग में।
आप इसे मिट्टी के अंदर फ्लश कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि इसको वॉश कैसे करना है आपको सिस्टम को। वॉश करने से पहले हम बताते हैं आपको, देखिए हमने ये क्ले पेबल्स को अलग स्टोर किया है और ये जो कोकोपीट है उसको अलग स्टोर किया है हमने। अब इसको रीयूज़ करेंगे हम। रीयूज़ के लिए हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम NFT जो हमारा ये सिस्टम है हाइड्रोपोनिक सिस्टम, इसको वॉश करेंगे रीयूज़ करने के लिए। तो रीयूज़ के लिए कैसे इसको वॉश करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आपको इस तरीके से इसको ओपन करना, ये देख सकते हैं कि हमने टेफ्लॉन का यूज़ किया, इसको फिक्स नहीं किया कैप को, तो आप जब चाहो इसको वॉश करने के लिए भी अच्छा कर दोगे तो आप इसको वापस ओपन नहीं कर सकते और अपने सिस्टम को वॉश नहीं कर सकते सही तरीके से। अगर आपने इसको परमानेंट फिक्स कर दिया तो आपको जब भी आप कैप लगाओ तो हमेशा टेफ्लॉन का यूज़ करिए। ये देखिए हम हमारे बकेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हम हमारे जो भी मिट्टी के जो भी पौधे हैं उसके अंदर हम इसे डाल सकते हैं, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को। ये हमने सिस्टम का जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था पाइप्स के अंदर वो हमने पूरी तरीके से खाली कर दिया है। ये देखिए हमने केप को सिर्फ टेफ्लॉन से सील किया था, इसे परमानेंट फिक्सिंग किया था, इसलिए हमें इजी रहा इसको वॉश करना। अब इसके अंदर हम नॉर्मल वाटर फ्लश करेंगे, नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है आपके सिस्टम को। आप इसके अंदर पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, इसे ऑन करके आप इसे पाइप की सहायता से भी इसे वॉश कर सकते हैं, या आप एक बकेट के अंदर नॉर्मल वाटर लेके, हम ये बकेट में वाटर लेके नॉर्मल वाटर लेके इसे इस तरीके से वॉश कर रहे हैं। आप इसके अंदर वाटर पंप से सीधा डायरेक्ट पाइप से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि पूरा पाइप वॉश हो चुका है। आपको इसी तरीके से नॉर्मल वॉश करना है इसको, ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना आपको। नॉर्मल एक एक बकेट से लेके और आपको एक एक करके पाइप को वॉश करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि सर हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को किस तरीके से वॉश करें या फिर इसका रीयूज़ कैसे करें और रूट्स को कैसे निकालें सिस्टम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.